की चाल है। क्या कहेंगे आप? आज तक क्यों नहीं हुआ था बिफोर? भाई जो आज हुआ है वो पहले ही हो जाता तो वो कैसे होता? भाई आज जो हुआ है वो तो नया होगा ही ना प्रधान जी। ऐसा है कि एक भारतीय होने के नाते और आज के भारत में रहने वाली एक भारतीय होने के नाते मुझे आज खुशी इस बात की है कि देश में जो राजनीति का चेहरा है वो कुछ बदलता सा दिख रहा है। तरुण पंजी का कहना है कि यूपी कांग्रेस की सदैव मांग थी कि प्रियंका जी को आना चाहिए, वो मांग पूरी हुई। मैं उतना उस बात पे भी नहीं जाऊंगी क्योंकि बात ये नहीं है कि उनकी मांग ये थी कि प्रियंका जी आए। उनकी मांग से ऊपर उठ के देखिए, देश की जनता कुछ बदलाव चाहती है। देश की जनता चाहती है कि राजनीति में बदलाव आए। ये जो इतने सारे लोग थे सड़कों पे जो बहुत खुश थे आज, वे क्यों थे खुश? उन्हें ये लग रहा है, इसका मतलब है कि वे मायूस हो चुके हैं आज की राजनीति से और वे चाहते हैं कि राजनीति में कुछ ऐसा बदलाव आए जो उनको एक नई ऊर्जा दे, जो देश में राजनीति का चेहरा बदले, जो देश में युवाओं का के सपनों को सच करने के लिए आए और जो अभी तक हो रहा है उससे हटके हो। ये एक चीज समझने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही लोग थे वहां, जो इतने सारे लोग आए। देखिए, आप विरोध करिए, उनका समर्थन करिए, वो बात अलग है। हम तो यहाँ बैठे हैं इस बात को एनालाइज करने के लिए कि लोगों के अंदर क्या इच्छाएं हैं, वे क्या सोच रहे हैं। मैं पढ़ना चाहूंगी, बिट्टू फौजी जी ने लिखा है, आज प्रॉमिस डे पर सभी भारतीय प्रॉमिस करें कि मोदी जी को ही वोट देंगे। आप उनको दीजिएगा, मैं वोटों के बारे में आज बात नहीं कर रही हूं। किसी ने लिखा, आज ऐसा लग रहा था मेरा देश बदल रहा है प्रियंका जी के आने से। लेकिन क्यों? चित्रंजन प्रधान जी लिख रहे हैं, मैं अभी जवाब दूंगी आपका प्रधान जी। तरुण पंत जी क्या लिख रहे हैं, मेरे साथ तो धोखा हुआ, 15 लाख का प्रॉमिस झूठा हुआ। दुनिया के सियासत दान जंगल में मौजूद बंदरों की तरह है, अगर यह आपस में लड़े तो सारी फसल को तबाह कर देते हैं और अगर आपस में सुलह कर ले तो सारी की सारी फसल को हड़प कर जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस मैसेज से ये क्लियर है कि लोग जो है वे मायूस हो चुके हैं देश में जो राजनीति के हाल है उससे। राजनीति क्या होती है? राज करने की नीति। राज करने की नीति का मतलब ये नहीं है कि आप कुर्सी कैसे छीने, आप कुर्सी को कैसे अपना बना ले, आप कैसे कुर्सी पे चढ़ के बैठ जाए। राजनीति का मतलब ये होता है कि जो कुर्सी, एक लोकतंत्र की बात कर रही हूँ मैं, एक जो कुर्सी लोग आपको दे रहे हैं, जिस जगह पर आपको बैठा रहे हैं, आप उस पर बैठकर लोगों के लिए कार्य करें। आप जो वादे करते हैं उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए, वो उस राजनीति को बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप कुर्सी पर बैठ के लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों को जो आपने वादे किए हैं, जो उनकी ज़रूरतों के मुताबिक है, आप उनको पूरा करेंगे। परंतु क्या ये होता है? आप जानते हैं कि हम कुछ भी कह लें, हमारे देश में जो पिछले कई वर्षों की राजनीति है उसमें राजनीति का मतलब ये हो गया है कि कैसी तिकड़म लगाए, क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कैसे क्या करे ताकि कुर्सी को हथियाएं, इधर की पार्टी वालों को उधर कैसे ले जाए
और लोगों का भी ये हाल हो गया है कि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो नेता हैं वे ये नहीं सोचते अब कि उनका एक दायित्व होता है। जब वे किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो यदि उस पार्टी को छोड़ते भी हैं तो ऐसे वक्त में यदि वे छोड़ दें जब उनका मतलब ना दिखे, जब ऐसा ना लगे कि वे अपॉर्चुनिस्ट हो गए या मतलबी हो गए, तब तो समझ में आता है। परंतु देश की राजनीति का स्तर ये हो गया है कि राजनीति ऐसी बनाई जाती है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ऐसे खेल खेले जाते हैं कि जिस वक्त चुनाव आने वाले होते हैं आप अपने विरोधियों के को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं यदि वे सशक्त नेता होते हैं। परंतु उन नेताओं को ये भी कहना आवश्यक है कि जब आप देश के लोगों का विश्वास तोड़ते हैं तो आप ये मत सोचिए कि लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप भले ही अपने आप को समझाते रहिए कि हम तो लोगों के लिए ही इस पार्टी से उस पार्टी चले गए, ये तर्क देते हैं ये, परंतु लोग इसको हजम नहीं कर पाते। लोग आपको जिस प्रकार देखते हैं, आपके बारे में जिस प्रकार बात करते हैं, हो सकता है कि क्योंकि आप पावर में होते हैं तो कोई कुछ बोल नहीं पाता और विकल्प नहीं होते हैं इसलिए आप चुने भी जाते हैं, परंतु अंदर ही कहीं ना कहीं ये चुभन होती है और ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर एक धब्बा होती है। आप कुछ भी कह लीजिए, यदि किसी पार्टी के साथ आप रहे और लास्ट मिनट में उसे छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो ये बहुत अच्छी सी चीज़ नहीं होती है, पर ये एक ट्रेंड बन गया है और अभी मुझे लगता है कि ये ट्रेंड को बदलने में कुछ वक्त लगेगा। एक जो अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि आज जो मुझे दिखा, मैं आपको उसके बारे में कहना चाहूँगी कि जो मुझे दिखाई दिया वो ये था, एक युवा शक्ति, वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी वाली युवा शक्ति का एक केंद्र दिखा। मुझे युवा चेहरों के साथ एक ये भी दिखा कि ये वो लोग हैं जो कुछ करने की ना सिर्फ इच्छा रखते हैं बट क्षमता भी रखते हैं। उनके अंदर ये क्षमता है कि वे कुछ कर सके। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी आज जिन लोगों को मैं उस ट्रक पे देख रही थी उसमें बहुत सारे लोगों का देहरादून से एक बहुत गहरा रिश्ता है। मैं वो वाले रिश्ते की बात नहीं कह रही हूँ जो हरेक के साथ हो जाता है, और ख़ास करके वो जो प्रधान सेवक है ना, जो आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधान सेवक हैं, उनका रिश्ता जापान से, गढ़वाल से, बंगाल से, काशी से, सब जगह से होता है। मैं सच बता रही हूँ और ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। उस ट्रक पर आपको कौन कौन दिखे, जो नेता दिखे मैं उनकी बात करती हूँ। वहाँ पर दिखे, चलिए सबसे पहले राज बब्बर जी के बारे में बात कर लेती हूँ। वे हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए, इसलिए उनका भी देहरादून से एक नाता है। उसके अलावा उस ट्रक पर मुझे जो दिख रहे थे वे पढ़े लिखे लोग दिख रहे थे। जी हाँ, पढ़े लिखे लोग। और बहुत गर्व हो रहा है मुझे आज, क्योंकि प्रियंका गांधी भी देहरादून में पढ़ी, वेलम गर्ल्स में, कुछ वक्त के लिए ही पढ़ी लेकिन पढ़ी। राहुल गांधी, उनके पिताजी, उनके चाचा, प्रियंका गांधी के बेटे, ये सब देहरादून के द डून स्कूल में भी पढ़े, द डून स्कूल में ही पढ़े। राहुल गांधी फिर बताऊंगी कि कुछ समय तक यहाँ पढ़े। उसके अलावा पडरौना से आरपीएन सिंह भी थे उस ट्रक पर, वे भी देहरादून के द डून स्कूल से पढ़े।
जितिन प्रसाद भी दिख रहे थे वे भी देहरादून के द डून स्कूल से पढ़े। और आप जानते होंगे कि देहरादून को एक एजुकेशन हब कहते हैं। यहाँ की जो पढ़ाई है उसके महत्व को माना जाता है कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। तो आज मुझे गर्व इस बात का भी है कि ये लोग सब देहरादून से कुछ इनका रिश्ता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का रिश्ता देहरादून से और भी कई प्रकार का है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रिय चाचा नेहरू, को देहरादून बहुत पसंद था। उनकी बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी हमारे यहाँ पे रही ताउम्र। अब उनकी बेटी यहाँ रहती है, नयनतारा सहगल जी। परंतु जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैं बार बार बोलती रही हूँ, वो ये है कि पढ़े लिखे लोगों से मेरा मतलब सिर्फ डिग्री से नहीं होता, क्योंकि हमारे देश का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। कई बार आप पढ़ाई आप नहीं कर पाते, हमारे कई कई तरह के लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई नहीं कर पाते वो नेता नहीं बन सकते, वो भी नेता बन सकते हैं, वो नेता बनते हैं, वो बहुत बेहतरीन नेता भी बनते हैं। परंतु जो गहन सोच वाले होते हैं, यदि वे राजनीति के क्षेत्र में आए तो राजनीति का चेहरा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आज जो मुझे दिखाई दे रहा था उस ट्रक पे, वो भारत देश का भविष्य दिखाई दे रहा था। भारत देश के भविष्य में भारतवर्ष के हर बच्चे को पढ़ाई यानी कि शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। भारतवर्ष के हर बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि पढ़ाई का यानी कि शिक्षा का महत्व क्या है। और शिक्षा का महत्व वो समझ सकता है जिसने शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि शिक्षा आपको विनम्रता देती है। शिक्षा आपको केवल ज्ञान जो है एक सब्जेक्ट का नहीं देता, वो आपको ज्ञान देता है अपने चारों तरफ के लोगों के साथ कैसे मिलकर रहना है उसके बारे में, कैसे अपने आसपास के कमजोर लोगों को उठाना है उसके बारे में। शिक्षा जो है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और आज मुझे जो लखनऊ में वो पूरी की पूरी एनर्जी दिख रही थी, वो शिक्षित एनर्जी दिख रही थी। जी हाँ, शिक्षा का महत्व आज मुझे उस ट्रक में दिखा। युवा जग जाग गया है, अब युवा जुमलेबाजी में नहीं फंसेगा। और जुमलेबाजी में फंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है वो ये सिखाती है कि आप सच बोले, कि आप सच का रास्ता अपनाएं, आप झूठ ना बोले, ये आवश्यकता है। इसलिए उम्मीद ये है कि जो हम देख रहे हैं और जिनको हम देख रहे हैं वे हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन सब से ये उम्मीद है कि वे उत्तर प्रदेश में एक अच्छी राजनीति का निर्माण करेंगे, अच्छी राजनीति का सृजन करेंगे, अच्छी राजनीति को उभार के लाएंगे, अच्छी राजनीति के फूल खिलाएंगे और लोगों को मार्ग भी दिखाएंगे, लोगों का की दिशा निर्देश भी करेंगे। अब नई उम्मीद नया देश, यदि हम बात करें तो हम ये जरूर कहेंगे कि जो हमारे को दिखाई दिया उसमें ये भी दिखाई दिया कि जो लोग हैं वे निराश हो चुके हैं जो आज तक की राजनीति है उससे। इसलिए ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है इन युवा नेताओं की,
के कंधों पर। और याद रखिएगा कि अगले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो जनसंख्या है वह बहुत ही युवा हो जाएगी, और क्योंकि युवाओं के लिए युवा नेताओं की आवश्यकता है, इसलिए भी यह आवश्यक था कि राजनीति में बदलाव आए। राजनीति में बदलाव कैसा आएगा, कितना आएगा, ये देखने वाली बात है। परंतु आप लोगों के कमेंट से ये जरूर लग रहा है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ये उम्मीद है कि बदलाव जो है वो बहुत आएगा। लखनऊ वालों ने एक झलक दिखाया है, हम असम में भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, बिट्टू सदाना जी ने लिखा है वाहे गुरु मेहर करे जी। बिल्कुल मेहर करे जी, नमस्कार जी। बिल्कुल, परिवर्तन अटल है, शक्ति बस में नहीं हमारे दिल में है। जी बिल्कुल, हमारे दिल में शक्ति है, और ये शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर राजनेताओं की आवश्यकता है। आज आपने देखा किसी का क्लास फेलो होना छोटी बात नहीं है। आज लखनऊ वालों ने एक मैसेज दिया है पूरे देश को, अब्दुल रहमान जी ने लिखा है कीप इट अप विद फुल एनर्जी, जुमलों के दिन गयो, अब हकीकत और असलियत का के दिन आ गए। बहुत सारे लोगों को प्रियंका गांधी से कितनी उम्मीद है। किसी ने लिखा है मेरे को लगता है कि प्रियंका गांधी जी बहुत कुछ कर सकती हैं, यही तो होती है उम्मीदें। सुरेश कुमार जी ने लिखा है प्रियंका राहुल वी आर विद यू। जय गुप्ता जी लिख रहे हैं अच्छे शाब्दिक अलंकार हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बदलाव बहुत बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं बदलाव की जो आंधी है वो चल पड़ी है, और लोगों को उम्मीद भी है, लोग सोचते भी हैं कि किसी तरह से कुछ बदलाव आ जाए। अब उम्मीद ये है कि ये जो नेता है ये ना सिर्फ अपने कैडर्स को सशक्त करे, परंतु एक डायलॉग सा बना के रख सके अपने जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं उनके साथ, क्योंकि ये आवश्यक है। लोग जो हैं उनका जुड़े रहना किसी भी पार्टी के साथ, वो कोई भी पार्टी हो, नेताओं को आवश्यक है कि वे अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सके। किसी ने फिर लिखा है जरूर मैम, बदलाव जरूर आएगा और आप हम सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। राजेश चौरसिया जी भी लिख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 3 महीने